अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हमारा टॉपिक नेक्स्ट आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइव काइंड्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट इज द डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स, थर्ड वन इज द प्रोपोर्शनल टैक्स यानी मुतनासिब टैक्स, फोर्थ वन इज प्रोग्रेसिव टैक्स, मस्तज़ाइद टैक्स, एंड फिफ्थ वन इज रिग्रेसिव टैक्स या तंजीली टैक्स। अब हम इनको वन बाय वन करके डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन वी डिफाइन द डायरेक्ट टैक्स। इट इज़ अ टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन द पर्सन एंड इट इज़ पेएबल बाय द सेम पर्सन। यानी बराह रास्त टैक्स से मुराद ऐसा टैक्स होता है जो जिस शख्स पर लगाया जाता है वही इनकी अदायगी करें या इन्हें आगे दूसरे पर मुंतकिल नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्सेस इज पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज़ लीगली इम्पोज्ड। यानी ये जिस शख्स पर टैक्स आय किया जाता है वही इसको अदा करता है। एंड दिस टैक्स इज़ नॉट ट्रांसफरेबल टू अदर्स पर्सन। द इनिशियल इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज़ ऑन द सेम पर्सन। यानी आपका हम कह सकते हैं उसका जो निफाज और हतमी जो होता है वो एक ही शख्स पर होता है। मसलन आपके फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है, आमदनी टैक्स, आपकी प्रॉपर्टी टैक्स, आपकी जायदाद का टैक्स, ये तमाम आपके डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो जिस शख्स पर लगाए जाते हैं सिर्फ वही इसको अदा करता है, दूसरे पर उसको मुंतकिल नहीं किया जा सकता। द सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट टैक्स या बिल वास्ता टैक्स। इन इट इज़ अ टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट मे बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। यानी बिल वास्ता टैक्स से मुराद ऐसे टैक्स हैं जो किसी वास्ते के ज़रिए वसूल किए जाते हैं और इनका बोझ जो होता है वो दूसरों पर मुंतकिल किया जा सके। या यानी जो जो आदमी टैक्स की रकम फर्स्ट वन जिस पर आयद की जाती है वो दूसरे शख्स पर इसको मुंतकिल कर देता है। एंड सो द फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स इज़ ऑन अदर पर्सन। इन द एंड आपका जो फाइनल बोझ होता है वो किसी भी दूसरे शख्स पर मुंतकिल हो जाता है। प्रोड्यूसर्स पे सच टाइप्स ऑफ टैक्स। द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन कंज्यूमर्स बिकॉज दीज टैक्सेज आर इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज़ सेल्स टैक्स एंड द कस्टम ड्यूटीज। यानी फॉर्म ऑफ टैक्सेस में हमने जो पढ़ी थी उसको आप यहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन होगी उनकी। यानी हम कह सकते हैं इसमें कि आपके जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कोई जो भी अशिया पैदा करते हैं वो उसका टैक्स जो है वो फर्स्ट वन खुद पे करते हैं लेकिन बाद उसके नेक्स्ट वो सार्फिन पर इसको मुंतकिल कर देते हैं अशिया की कीमतों की सूरत में, और जिसका सेल टैक्स होता है आपका या कस्टम ड्यूटीज होती हैं। द थर्ड वन इज़ द प्रोपोर्शनल टैक्स। इफ द रेट ऑफ टैक्स इज सेम वेदर द इनकम ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टैक्स इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल टैक्स दैट इज़ द सेल्स टैक्स। दिस इज़ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ गिवन आपका शेड्यूल है। यानी मुतनासिब टैक्स की सूरत में टैक्स आयद करते वक्त एक ही शरह बरकरार रखी जाती है, ख्वाह किसी शख्स की आमदनी कम हो या ज़्यादा सब पर एक ही शरह से टैक्स लगाया जाता है। यानी आमदनी बढ़ने के बावजूद टैक्स की शरह में कोई तब्दीली वाकया नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको शेड्यूल दिया गया है कि अगर एक 1 मिलियन जो इनकम है किसी की तो किसी की 90 है अगर, और किसी की 70 है अगर, 80 है तो सब पे आपका रेट ऑफ टैक्स होगा वो 10% ही होगा। इस तरह जिसकी 2 मिलियन है, 3 मिलियन है, 4 मिलियन है, उनका रेट ऑफ टैक्सेस जो है वो 10% अगर डिटरमिन किया गया है, मुतय्यन किया गया है तो वो आपका उसको चेंज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन प्रोग्रेसिव टैक्स। इफ द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज with the increase in income and decreases with the decrease in income this tax is called the progressive tax for example income tax and now we explain within the schedule in this dusra kehte hain ki agar aamdani badhne ke sath sath tax ki sharah bhi badhti chali jaye aur aamdani ke kam hone se tax ki sharah bhi kam hoti jaye use mustazaid tax kaha jata hai aur
पाकिस्तान में जो टैक्स है और मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज इम्पोज दिस फॉर्म ऑफ टैक्स एंड वी डिफाइन विद इन द शेड्यूल. आपके सामने शेड्यूल आ रहा है कि अगर इनकम आपकी 1 मिलियन है तो 5% है. जो इनकम अगर 2 मिलियन होती है तो आपका रेट ऑफ टैक्स 10 मिलियन हो जाता है. एंड इनकम वैन इंक्रीज विद इन द 3 मिलियन 4 मिलियन एंड 5 मिलियन द टैक्स रेशो ऑल्सो इंक्रीज विद इन द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इनकम. एंड दिस इज़ द प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम. नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज द रेग्रेसिव टैक्स. रेग्रेसिव टैक्स में हम देखते हैं आपके कि ये तंजीली टैक्स होता है. इट इज़ ऑपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स. इफ द रेट ऑफ टैक्स इन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम एंड द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन इनकम दैट दिस टैक्स इज कॉल्ड द रेग्रेसिव टैक्स. दिस इज जस्ट फॉर्म ऑफ टैक्स. यानी ये मस्तज़ायद टैक्स का उल्ट होता है. इसके तहत कम आमदनी वाले लोगों पर ज़्यादा शरह से और ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर कम शरह से टैक्स लगाया जाता है. ये आमतौर पर अमली तौर पर ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं होता. जस्ट वी एक्सप्लेन विद इन द काइंड ऑफ टैक्स या टैक्स एग्जाम की सूरत में ही हम इसको डिफाइन करते हैं. जी नेक्स्ट अवर टॉपिक इज वी डिफाइन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैक्स. एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. द फर्स्ट वन दीज टैक्सेस आर जनरली इलास्टिक. For example, when the people's income increases, the income of the government also increases. And when the people's income decreases, the income of government also decreases. ये टैक्स आमतौर पर वो कहते हैं आपका लचकदार होता है. यानी जब लोगों की आमदनी बढ़ती हैं तो हुकूमत की आमदनी भी बढ़ जाती है और लोगों की आमदनी कम होती है तो हुकूमत की आमदनी भी कम हो जाती है. सेकेंड दीज टैक्सेज ऑल्सो कम अप टू द कैन ऑफ इक्वालिटी. ये असूल मसावात को भी पूरा करते हैं. यानी इन लोगों पर लगाए जाते हैं जिनकी आमदनियाँ एक ख़ास शरह से जायद हों या साहिब जायदाद हों या ज़मीन के मालिक हों. द थर्ड वन इज़ एडवांटेजेस. दीज टैक्सेज ऑल्सो फुलफिल द कैन ऑफ सर्टनिटी. ये असूल तेकन को भी पूरा करते हैं क्योंकि इसमें हुकूमत को भी यकीन होता है कि इसे कितनी आमदनी इनकम टैक्स से हासिल होगी और लोगों को भी इस बात का इल्म होता है कि टैक्स कितना देना है और कब देना है और कहाँ देना है. द फोर्थ वन इज द दीज टैक्सेस आर जनरली ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर. यानी आमतौर पर ये मस्तज़ायद नोयत की होती हैं. यानी अब जैसे पहले हम डिफाइन किया कि जब लोगों की आमदनी बढ़ रही होती है तो टैक्स की शरह भी बढ़ जाती है और जब आमदनी कम हो रही होती है तो टैक्स की शरह भी कम हो जाती है. The fifth one is that these taxes follows the principle of economy and productivity because the cost of collection is low, they involve less expenditure and are spent on productive purposes. यानी ये टैक्स असूल किफ़ायत और असूल पैदावारी को भी पूरा करते हैं क्योंकि इनको इकट्ठा करने के मसारिफ कम होते हैं और ये पैदावारी कामों में इस्तेमाल होते हैं. The sixth one is the such type of taxes can also control the prices. In case of inflation, the rate of these taxes is raised so that the purchasing power of the people maybe decreases. And but in case of recessions, the rate of these taxes is decreased. यानी इस किस्म के जो टैक्स होते हैं उनसे कीमतों को भी वो कहते हैं कंट्रोल किया जाता है. यानी अफराद ज़र में इनकी शरह में इजाफ़ा कर दिया जाता है ताकि लोगों की कूवत खरीद को कम किया जा सके और कसाद बाजारी या तफरीत ज़र की सूरत में इनकी शरह कम कर दी जाती है. द लास्ट वन इज़ द टैक्स पेयर्स हैव अ सेंस ऑफ बीइंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड फील दैट दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू. इन टैक्सों को अदा करने वालों में शहरियत का वो कहते हैं एहसास पैदा होता है. लेकिन वो टैक्स जो देने वाले होते हैं ये समझते हैं कि वो लोगों के जो मालियात की फ्राहमी में अहम किरदार अदा करते हैं. जहाँ पे हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस हैं आपके बराह रास्त टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस के एडवांटेजेस हैं, वहाँ कुछ हम नुकसान का भी सामना करना पड़ता है. उनको हम डिफ़ाइन करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस. फर्स्ट वन द पेमेंट ऑफ सच टैक्सेस डिस्गस्ट द टैक्स पेयर्स एंड ही थिंक देम अ बर्डन ऑन हिम. इस किस्म के टैक्सों की अदायगी आमतौर पर टैक्स जो देने वालों को नागवार गुजरती है और वो उसे अपने ऊपर एक बोझ तसव्वुर करते हैं. द टैक्स पेयर मेक
Dubious excuses to avoid, lame excuses means to avoid these taxes, and he innovates various pretexts to get rid of such taxes. ये कहते हैं कि इस किस्म के टैक्सों से बचने के लिए लोग हीले बहाने लैम एक्सक्यूज़ पेश करते हैं और मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए जाते हैं ताकि टैक्सों से उनकी जान छूट सके. द थर्ड वन इज दिस टाइप ऑफ टैक्सेस लार्जली डिपेंड्स ऑन द हॉनेस्टी ऑफ द पीपल बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स डू नॉट रिवील देयर एक्चुअल इनकम. इस किस्म के टैक्सों का इंसार लोगों की ईमानदारी पर होता है लेकिन अक्सर लोग अपनी सही आमदनी को शो नहीं करते. द नेक्स्ट वन इज दिस काइंड ऑफ टैक्सेस गिव्स बर्थ टू द इवल्स लाइक ब्राइबरी. ये मुख्तलिफ किस्म की जो आपकी मुआशी बुराइयाँ जन्म लेती हैं, रिश्वत, बददियानती, और इस टैक्स देने वाला टैक्स अदा करने के बजाय महकमा टैक्स के अमले से साजबाज करके उस टैक्स एवियन या टैक्स चोरी करते हैं. Such taxes also affect the consumable income of the people, which decrease their savings and the pace of economic growth or the progress slow down. ऐसे टैक्सों से वो कहते हैं कि लोगों को जो काबिल तसरुफ आमदनियों पर भी असर पड़ता है, जिससे बचतों में कमी होती है और माशी तरक्की की रफ्तार आपकी सुस्त हो जाती है. नेक्स्ट है आपके एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. सिंस दीज टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन द प्राइसेस द टैक्स पेयर डज नॉट फील ऑफेंडेड बाय सच टैक्सेस. ये कहते हैं ये टैक्स चूंकि कीमत में शामिल होते हैं इसलिए टैक्स जो देने वाला होता है उसको नागवार नहीं गुजरते. The second, nobody can escape from these taxes because whenever anybody purchases something, the amount of tax is included in its price. इस किस्म के जो टैक्स होते हैं कोई शख्स उससे बच नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई शख्स कोई चीज़ खरीदेगा टैक्स की रकम भी कीमत के साथ अदा करेगा. As the amount of tax is included in the prices of a product on its purchase, the buyer has to pay the tax also. In this way, he contributed to the revenue of the government. Tax ki rakam chunki wo qeemat mein shamil hoti hai, isliye gareeb log bhi jab ashya khareedte hain to wo bhi tax ki adaigi karte hain, aur is tarah se tax ke maliyat jo hukumat ke maliyat hote hain unmein uska hissa shamil ho jata hai. If such taxes are imposed on the luxury goods, the burden shifts to the rich also, and the principle of equality is fulfilled. Understand? And the fifth one, if the government wants to check the use of the harmful goods, it can control the sale of such goods by levying the heavy taxes. जब भी हुकूमत देखती है कि कुछ ऐसी आपकी जो अशिया हैं जो आपकी मुजरे सेहत प्रोडक्ट्स हैं तो उन पर भी हुकूमत जो है वो टैक्स उनको टैक्स लगा देती है ताकि वो आपकी कोई भी तबकों से मुतासर ना हो. द सिक्स वन इज़ द पेमेंट ऑफ सच टैक्सेस इज़ क्वाइट इजी एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड एज बर्डन. और आपके इस किस्म के टैक्सों की अदायगी आसान होती है और वो ये बोझ तसव्वुर नहीं होते. जहाँ एडवांटेजेस हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के, वहाँ पे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे. डिसएडवांटेजेस ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस, द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. द बर्डन ऑफ सच टैक्सेस इज मोस्टली ऑन द जनरल पब्लिक. इस किस्म के टैक्सों का जो बोझ होता है ज़्यादातर वो आम आवाम पर होता है. द बर्डन सिंस दीज टैक्सेस आर कलेक्टेड थ्रू इंडस्ट्रियलिस्ट दे एड मोर देन द real tax which fixing the price of the goods produce which enhance the burden of taxes. चूँकि टैक्स कारखानेदारों की मार्फत जो है वो उनके थ्रू वसूल किया जाता है, इसलिए वो अशिया की कीमत बढ़ाते वक्त टैक्स से ज़ायद रकम कीमत में शामिल कर देते हैं जिससे टैक्स का बोझ मज़ीद बढ़ जाता है.
द थर्ड वन इज़ दीज टैक्सेज डू नॉट फुलफिल द प्रिंसिपल ऑफ सर्टनिटी. ये टैक्स असूले तरीकन को भी पूरा नहीं करते, क्योंकि टैक्स दहिंदगान को इस बात का पता नहीं होता कि कितना टैक्स अदा करना है और कब अदा करना है. उसे हुकूमत की आमदनी भी गैर यकीनी होती है. द पेयर ऑफ सच टैक्सेज डू नॉट हैव द सेंस ऑफ सिटीजनशिप. इस किस्म के टैक्स जो अदा करने वालों में सिटीजनशिप यानी शहरियत का एहसास पैदा नहीं होता. Then the fifth one is the such taxes do not ensure the canon of equality. इस किस्म के टैक्स जो हैं वसूल मसावात को भी पूरा नहीं करते, क्योंकि अमीरों की नस्बत गरीबों पर इनका बोझ ज़्यादा होता है. The next is the advantages of the proportional taxes. These taxes maintain the difference found in the income of the people. इन लोगों की आमदनी के दरमियान जो फ़र्क होता है वो कायम रहता है. एंड दीज टैक्सेस डू नॉट अफेक्ट द सेविंग्स एडवर्सली. इन टैक्सों से बजट पर भी कोई बुरे साथ नहीं मरतब होते. दीज टैक्सेस आर सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल. ये टैक्स नए सादा और आम फहम होते हैं. द सपोर्टर ऑफ सच टैक्सेस मिकोलॉक, आपके इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसको डिफाइन इस तरह किया था कि व्हेन यू गिव अप द सिंपल रूल ऑफ प्रोपोर्शन योर एग्जांपल इज़ जस्ट लाइक दैट यू वेविच इन द सी विदाउट द रडर्स एंड द कंपस एंड देन द इनजस्टिस दैट यू डू विद योर सेल्फ नोन एज नो बॉन्ड्स. कह जाता है कि जब आप यानी प्रोपोर्शनल तनासब का सीधा सा असूल ख़त्म कर देते हैं, तर्क कर देते हैं, तो आपकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप एक कश्ती को चप्पुओं के बगैर या उसके जो डायरेक्शंस हैं उसके बगैर समुंदर में सफ़र कर रहे हो. और फिर जब आप जिस कदर भी इनजस्टिस करेंगे तो उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं होगी. नेक्स्ट है आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्सेस, जहाँ कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान भी हैं. दीज काइंड ऑफ टैक्सेस डू नॉट कोप विद कैनन ऑफ इक्वालिटी बिकॉज टैक्स इज कलेक्टेड एट द सेम रेट बोथ फ्रॉम द पुअर एंड द रिच. ये टैक्स वसूल मसावात को पूरा नहीं करते, क्योंकि अमीर और गरीब से एक ही शरह से टैक्स वसूल किया जाता है. The people with low income are adversely affected by these taxes. इससे कम आमदनी वाले लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शन एक होता है. एंड दीज टैक्सेज आर द इनइलास्टिक. द लास्ट वन इज़ द प्रोग्रेसिव टैक्स. विल डिफाइन द एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स. मस्तज़ाय टैक्स के हम फायदे देखेंगे. दीज टैक्सेस को डिफाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. ये टैक्स असूल मसावात को पूरा करते हैं, क्योंकि इसके मुताबिक बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल द पीपल हैविंग स्मॉल इनकम विल पे द टैक्स इज एट लो रेट, वेर एज द पीपल विद हाई इनकम विल पे द टैक्स एट हाई रेट. समझ आ रही है आपको? ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट आपका. यानी ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर ज़्यादा शरह से और कम आमदनी वाले लोगों पर कम शरह से टैक्स आयद होता है. Second, such taxes also go with the principle of economy because small expenses incur in collecting these taxes. ये असूल कफायत को भी पूरा करते हैं, क्योंकि इनको इकट्ठा करने में ज़्यादा मसारे बर्दाश्त नहीं करने पड़ते. ये टैक्स थर्ड वन इज दीज टैक्सेज ऑल्सो कम अप टू द प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी. ये असूल लचकदारी को भी पूरा करते हैं. द फोर्थ वन इज़ दैट दीज टैक्सेज हेल्प्स इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बिकॉज हाई रेट ऑफ टैक्सेज इज इम्पोज ऑन द रिच. इससे दौलत की तकसीम सावियाना बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि अमीरों पर ज़्यादा शराब से टैक्स लगाया जाता है. ये एंड द फिफ्थ वन इज़ सच टैक्सेस हेल्प्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड मार्केट स्लंप.
यानी आपके ये फ़्रातज़र जो कसाद बाज़ारी को कंट्रोल करने में, कसाद बाज़ारी करती है आपकी जो डिफ्लेशन होता है, तफ्फीर ज़ार होता है, उसको कंट्रोल करने में भी मदद देते हैं। द यूज़ ऑफ लग्जरी गुड्स इन कंटेंड बाई इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस ऑन देम, सामान जो तईशात होती हैं, लग्जरीज होती हैं, पर भारी महसूल लगाकर इनके इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। एंड सेवन्थ वन, दीज टैक्सेस कॉजेज द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल बिकॉज हैवी टैक्सेस आर इम्पोज ऑन द रिच एंड द अमाउंट सो कलेक्टेड इज स्पेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर। समझ आ रही है आपको जी, ये टैक्स गरीबों की फलाह बहबूद का सबब बनते हैं क्योंकि अमीरों पर भारी टैक्स लगाकर यह रकम गरीबों की फलाह बहबूद पर खर्च की जाती है। एंड द लास्ट एडवांटेज ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, दिस टाइप ऑफ टैक्स इज ऑल्सो कम अप टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी बिकॉज दे ब्रिंग मोर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू द प्रोपोर्शनल टैक्सेस। ये टैक्स असूल पैदावारी को भी पूरा करते हैं क्योंकि मुतनासिब टैक्स के मुकाबले में इससे हुकूमत को ज़्यादा आमदनी हासिल होती है। लेकिन जहाँ कुछ फ़ायदे होते हैं वहाँ पर इसके भी कुछ नुकसान हैं। हम डिफाइन करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। सिंस टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड टू द पीपल विद लार्ज इनकम, दीज टैक्सेज हैव द एडवर्स इफेक्ट ऑन सेविंग्स। ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर चूँकि टैक्स की शरह ज़्यादा होती है, इसलिए बचतों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। दीज टैक्सेज आर बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशंस विच डू नॉट कम ट्रू इन प्रैक्टिकल लाइफ। ये टैक्स मुख्तलिफ मफूजात पर मबनी है जो कि अमली ज़िंदगी में कहते हैं कि दुरुस्त साबित नहीं होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज सेम फॉर द पीपल हैविंग सिमिलर इनकम विच इज़ नॉट ट्रू। इसमें यह भी फ़र्ज़ किया गया है कि यकसा आमदनी वाले लोगों के नज़दीक ज़र का जो अफादा मुख्तिम भी यकसा होता है जो कि दुरुस्त नहीं होता। इन दीज टैक्सेज इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट पीपल स्पेंड मोर ऑन लग्जरी गुड्स एज एंड वेन देयर इनकम इंक्रीजेज विच इज़ नॉट ट्रू। जे एस मिल राइट्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेज आर बेस्ड ऑन एक्सट्रीम इनजस्टिस रादर द फैक्ट इज़ दैट प्रोग्रेसिव टैक्सेज आर इक्वल टू रॉबरी। Progressive taxes are a step to confiscate the estates of the people. इसमें वो कहते हैं कि ये फ़र्ज़ किया जाता है कि जब लोगों की आमदनियाँ बढ़ती हैं तो वो लग्जरीज पर ज़्यादा खर्च करते हैं, और हालांकि ये बात सही नहीं है। जेएस मिल कहता है कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस हैं वो बेहद आपके इनजस्टिस को पर कायम है, क्यों बल्कि हकीकत यह है कि ये मसाइल पर डाका डालने के बराबर मुतरादिफ करते हैं। वो कहते हैं कि आपके लोगों की जो जायदाद होती है उस पर कब्ज़ा करने की जानब एक कदम होता है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं उन पर तरह से टैक्स लगाया जाता है। इस पर लास्ट वन कहते हैं कि इस पर यह भी एतराज़ किया जाता है कि टैक्स की हमायत अवामी बहबूद में इजाफा के लिए नहीं की जा सकती क्योंकि फिलहाल का तायुन जो है नफसियाती कैफियत होती है और इसकी पैमाइश के लिए कोई भी साइंटिफिक तरीका मौजूद नहीं है जिससे ये मालूम किया जा सके कि आमदनियों के फ़र्क को कम करने में जिस कदर फ़ायदा गुरबा को हासिल हुआ है इसके मुकाबले में किस कदर तकलीफ उमरा को भी पहुँचती है। सो दीज आर द